हेलो गाइस, मैं हूँ प्रिया और आप सबका स्वागत करती हूँ प्रिया राज लाइफ में। जैसे कि आप देख रहे हो, इस टाइम हम कार में बैठे हैं, हम तीनों राज पेट्रोल भरवा रहे हैं कार में। और आज का व्लॉग शाम को स्टार्ट हो रहा है, आई थिंक अभी बज रहे होंगे 5 या 6 के करीब होंगे। हम लोग जा रहे हैं दीदी के घर, मतलब कि राज की सिस्टर के घर, क्योंकि राज कल चले जाएंगे तो दीदी से मिलने के लिए जा रहे हैं। तो बस अभी हम रुके हैं रास्ते में पेट्रोल डलवाने के लिए। तो दीदी रहती हैं पठानकोट में, तो यहाँ से 1 घंटे का रास्ता है। तो बस अब दीदी के घर जा रहे हैं, तो वहीं पे अब आप लोगों से मिलूंगी। दीदी जीजा जी और उसे जीजा जी भी आ रखे हैं आजकल, पता चला है जीजा जी भी एक्चुअली बाहर रहते हैं, उनकी भी ट्रांसफर बाहर हो रखी है। तो लेट्स सी कि उन लोगों से मिलवाती हूँ आप लोगों को, तो बने रहिएगा मेरे साथ प्रिया राज लाइफ में। तो यहाँ पे ना हम रास्ते में रुके थे, एक बेकरी आती है दीदी के वहीं पठानकोट में, बहुत फेमस बेकरी है। वहाँ का केक ना वैभू को, जो दीदी का बेटा, उसको बहुत पसंद है। तो हम जब भी जाते हैं उसके लिए वो लेके ही जाते हैं वहाँ पे। तो बस एक आध केक वंचित अपने लिए लिया था, एक उसके लिए लिया था, तो बस उसके लिए लेते हैं। थोड़ा सा यूवी के लिए जेम्स रख लिए थे, तो बट उसको ये बेकरी का केक बहुत पसंद है, तो हम हर बार जब भी आते हैं उसके लिए यहीं से लेके जाते हैं। तो यही राज और वंचित आए थे उसके खरीदने के लिए, तो बस अब दीदी के घर चलेंगे ना, ऐसे बनाऊंगी। यहाँ पर ये देखो, ये है हमारी फैमिली, ये दीदी का बेटा है। एक्चुअली ना ये लोग बहुत मजाक उड़ा देते, तो ये दीदी का बेटा है वैभू, ये वंशित है, ये जीजा जी है और ये दीदी हैं। तो ये लोग सब अपना मस्ती कर रहे थे, हंसी मजाक चल रहा था। एक्चुअली जीजा जी बहुत फनी है, तो वो बहुत मजाक उड़ाते हैं। और यूवी यहाँ अंदर छुप के बैठा हुआ था। बाहर आ जाओ, बाहर आओ, चलो बाहर आओ, नहीं अच्छा फिर अंदर ही रह लो। ये ना हम लोग एक्चुअली रात चले गए थे, तो वैभू के बर्थडे पे जा नहीं सके थे, तो हम लोगों ने कहा चलो हम जो केक लाया ना उसी को कटिंग कर लेते हैं, और आज हम आज वैभू का बर्थडे सेलिब्रेट कर लेते हैं। यू नो फैमिली में फन चलता रहता है। तो बस हम लोग ना अब वही वाला केक को सजा रहे थे, उसमें कैंडल्स वगैरह लगा रहे थे कि आज वैभू तो हमारे सामने मामू मामी के सामने कट कर ले केक। हाँ रहने दे, मामू जलाएंगे तो रहने दे। आराम से केक में गिर रही है यार मोम। चलो चल चल फूके मार जल्दी से। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। यूवी के एक्साइटमेंट देखो, यूवी को ना जब भी कोई बोलता है ना हैप्पी बर्थडे टू यू, तो यूवी इतना एक्साइटेड हो जाता है। तो यूवी देख रहा था केक कट हो रहा है, यूवी की एक्साइटमेंट देखना कितनी है। और पेस्ट लगा ले, पेस्ट लगा दो, पेस्ट यूवी खा ले तो बात ही क्या है। खाओ केक, हाय हाय, वाओ, ये मम्मी को भी खिला दे, पहले मैं खिलाऊंगी, रुको ये लो चम्मच ले लो। पकड़ा जाए तब ना, हैप्पी बर्थडे, पकड़ा क्यों नहीं जा रहा, मैं बनाती हूँ तू खिला, कीड़ा नहीं है। अभी इसको अभी इसको अभी इसको गट्टू ले, गट्टू काइट से नहीं लगा है। हाँ पता नहीं क्या यहाँ से खून निकल गया, सवेरे दिखाया तो था आपको, बेटा हल्का फुल्का लगता है ना, इतना थोड़ी सोचते हैं। हैप्पी बर्थडे टू वंशु को नहीं खिलाया, वंशित को पीछे ना, पीछे ना कपड़े भी आ रहे हैं। चढ़ूंगा ओ मारते मुड़ेगा, यू वो किसका हैप्पी बर्थडे था, किसका हैप्पी बर्थडे था भैया, पापा पापा किसका बर्थडे था, प्यार से भैया, भैया का बर्थडे था, मैं बच गया। यहाँ पे हमारा खाना आ गया था, डिनर रेडी था, तो बस अब खाने की तैयारी। एक्चुअली हम लोग ना हमेशा नीचे बैठ के खाना खाते हैं, शुरू से हमारी आदत है हम लोग नीचे खाना, हम लोग ऊपर बैठ के खाना नहीं खाते हैं, क्योंकि हेल्थ वाइज भी नीचे बैठ के खाना ही अच्छा होता है और मुझे मज़ा भी नहीं आता है।
तो हम लोग नीचे बैठ के खाना खाते हैं। कुछ मेंबर्स ऊपर बैठे थे, हम लोग कुछ नीचे बैठे थे, तो बस खाना वाना होगा। तो पापा को तो आने दो, आग के ऊपर से तो टोपी हटा, देखना आग पे कर रही टोपी। रुको, ए गाना गा, फिर से गाना गा, गाइयो गाना गाना, यही वाला गा फिर से। घर पे तो बढ़ जाती है मम्मा, पिट्टी 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 खानी है। अभी नहीं खाना, मुझे दिख नहीं रहा। मैं वो यूवी, हैप्पी बर्थडे, मैं वो यूवी को ढूंढना, मेरे को जरूरी है। ये तो जरूरी होता है जीजा जी, कैसी बात कर दी, हम नहीं छोड़े। छोटा या बड़ा या उसे गल तो फिर होंगी उन छोटा तो आ गए कट है। अरे आ यूवी का, ये कौन है, ये यूवी है। एक इंच करते मैं लाडू, एक इंच करते अच्छी बजा। वैभव यूवी कहां है, चलते हैं चलो चलो जीजा जी। मैं कह दो महीने बाद तो ये कहे कि हमें दिल्ली आ गया काम का। चलो बेटा चलो जूबी, फिर उस तो दो दिन बाद बोले प्रांत आ गए। ट्रेन च गए, ट्रेन च आ ना, चलो चलो ना बाहर चलो। तो बस हम लोगों ने डिनर विनर कर लिया है, अब बस वापस घर जाने की तैयारी हो रही है। तो बस अब हम कार वार में बैठने की तैयारी है, और ये दीदी जीजाजी को बाय बाय हो रहा है। आई होप आपको ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा, होप लगा तो प्लीज़, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कॉमेंट कर दीजिएगा।